3, 2, 1. Hey, Yuzani! आप क्या इनसे साथ साथ शादी से पहले मुझे बाजी बोला करते थे। ये जो है फिल्म का सेट, यहाँ पे वेलकम करेंगे न्यूज मूवी की कास्ट को। आ जाए इधर इधर। लेकिन इसके बदले में आपने मुझसे एक प्रॉमिस करना है। मैंने आपसे प्रॉमिस करना है? हाँ जी, क्या प्रॉमिस? आप मुझे यमुना दादी का ऑटोग्राफ लेने देंगे? मैं आपको क्यों लगता है कि मैं लेके दे सकता हूँ? मतलब मैं तो नहीं कह रही थी उन्हें लेके दे सकते हैं तो मुझे अच्छा, चलो मैं नहीं दूंगा, प्रॉमिस डन हो गया। अब गाना गाओगे? गाना ऐसा गाना कि वाकई हम ऑटोग्राफ लेके दें, ये ना हो कि यहाँ से बहुत पीछे बिठा दें। ठीक है चलो गाओ, चलो हाँ तो गाएं। 3, 2 हाँ हाँ गाएं गाएं, इजाजत है। हाँ गा दे, इस फिल्म का गाना है, जो भी गा दो बस। हाँ जी, इस इश्क से ही नायाब बनी हर तुम को तो दीवानी चली, अनमोल से सपने बुनने दे, हर खौफ से मुझको लड़ने दे, मुझे खाक जमीन से क्या लेना, मुझे गगन से आगे बढ़ने दे, ओ माए मुझे उड़ने दे। क्या हुआ? उड़ने दे बस। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू, मुबारक हो, बहुत अच्छा गाया आपने, आप बहुत अच्छा गाते हैं। गाएं नाम तो मतलब गाया करें, जरूर गाएं, आप रेडियो पे गाया करें, क्यों मतलब आप क्यों हसरत में, वाकई अच्छा गाते हैं यार, एक तो लोग कंफ्यूज, आप रेडियो पे गाया करें। नहीं मुझे लोगों की कोई भी टेंशन नहीं है, यही तो काम है बातें करने। आपको तो टेंशन नहीं है, लोगों को तो है ना। फैन एनीवे, आपका नाम क्या है दोस्त? मोहम्मद रेहान अली। मोहम्मद रेहान अली, अच्छा मोहम्मद रेहान अली, फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि आप मुझे बहुत टैलेंटेड मालूम हो रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। इमेजिन कर लें कि आप उसामा खान हैं, उसामा खान का पता है कौन है? मुझे तो चूंकि वो अभी है नहीं यहाँ पे, तो हम इमेजिन करवा लेते हैं आपको, ठीक है। सो आप अगर हीरो हो इस फिल्म के, ठीक है, और आपने मुझे इंप्रेस करना है, ठीक है, मैं हीरोइन हूँ, तो कैसे क्या डायलॉग बोलोगे, जरा एक्टिंग करके दिखाओ। लाइट जरा थोड़ा माहौल बनाते हैं, जरा म्यूजिक थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे चले जी, थोड़ा सा सेट का माहौल बनाते हैं, ठीक है। आपके साथ मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं सब करवा रहा हूँ दोस्त, इसी चीज के पैसे लिए मैंने। अच्छा यहाँ पर नई तरफ देखिए, नई तरफ देखिए, इमेजिन करो 2-3 स्पॉट बॉयज हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, 2-3 स्टाइलिस्ट हैं, अब आप सेट के ऊपर मौजूद हैं, डायरेक्टर ने कहा स्टार साउंड, कैमरा, लाइट्स, एक्शन। अच्छा मैं हीरोइन हूँ, मैं शर्मा रही हूँ थोड़ी, नहीं मुझे आपसे हीरोइन की नहीं आ रही है, तो मैं क्या? अच्छा एक आंगनी वो बात ठीक है, वो हीरो वाली फीलिंग आ रही है, सो वो उसकी गलती नहीं है, कोई बात, फिर ऐसा करो आप हीरोइन बन जाओ, मैं हीरो बन जाऊँ, ये कर ले, इतना शोर करेगा यार। देखिए मुझे पता है आपको थोड़ी बहुत ठंड लग रही होगी, अगर आप शोर करेंगे तो नहीं लगेगी, मैं आपसे बस एक बात बता, ठीक है। अच्छा एक बात, मजे की एक्टिविटी करते हैं, रुकना सर,
आपको पता है हमारे हाथों में अल्लाह ने एक जादू रखा है, आपको पता है ये बात? नहीं पता मैं वो हाथ उस बच्चे को पता है, ये जो आपके हाथ है ना, अल्लाह ने इनके अंदर एक ऐसा जादू रखा है कि जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, साथ साथ करें, ठीक है? जिसको जोर जोर से रब करें अपने हाथों को ऐसे, सिंगल जोर जोर से करें, सारे करें, सारे 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 जहां तक मुझे नजर आ रहे सारे करें जोर जोर से, मतलब इनको आइस पे रखें, यू फील गुड, अच्छा लग रहा है ना, बस इसी तरह के काम करते रहते हैं। अच्छा चैलेंज, अच्छा क्या हुआ, शूट डेट आ गई, कौन आई, कौन आ गई, कौन देगा, कौन, अच्छा चले आप अब फीमेल है और मैं हीरो, डन हो गया, ऐसे कर ले, तो आप मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, मैं कहां कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, ओके ठीक है, चले कुछ कहना होगा, कुछ समझ आएगा, यार इतने बोल क्या कहना था, मतलब बंदा क्या कहना था, थोड़ा सा मुझे फील मेरी अब नजर सही पड़ी है यहाँ पे, तो मोस्टली शादी शुदा बल्कि शादी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और मोस्टली वो क्लैपिंग करना भी चाह रहे हैं तो कोनी सेट दी हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम खवातीन जो यहाँ पर बैठी हैं, हमारी भाभियां हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी थोड़ा सा उसको एंजॉय कर रहे थे, देखिए यहाँ से निकलने के बाद आपका जो गैस का बिल बहुत ज्यादा आया हुआ है वो वैसे ही रहेगा, बिजली का बिल भी वैसे ही रहेगा, पेट्रोल भी इतना ही महंगा रहेगा, सारी परेशानियां वैसी रहेंगी, तो मैं चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा टाइम आपका और मेरा है और उसके बाद जो कास्ट यहाँ पर आएगी फिल्म दन आए आपकी उसके साथ जो है तो हम इसको एंजॉय कर सकें, जरा हम फन कर सकें, सो एक बार क्लैप अपने लिए करें। एंड यहाँ पर बताते चलूं नायाब के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं ही, बट आई एक्चुअली वांट टू से बिकॉज़ मैंने बहुत ट्रैवल किया है पाकिस्तान में इवेंट्स के लिए, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है, गीगा मॉल के लिए एक दफा क्लैप करें, बिकॉज जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनकी मैनेजमेंट है, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई हैव बीन थ्रू टू द ऑल पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मैंने बहुत ही कम देखा है। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसको एक्टिंग का बहुत शौक है, हो सकता है कि चांस मिल जाए, बिकॉज डायरेक्टर्स आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, हो सकता है आप यूनेक्स साथ परफॉर्म कर सके, सो कोई है जिसको एक्टिंग का बहुत शौक है, है? एक हाथ और नए बंदे चाहिए मुझे, नए कोई है, कोई है, ओके बच्चा है और उसके अलावा आप हैं, आ जाइए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाइए, ऑन स्टेज आ जाइए, चल जाती थी। अब होता यह है कि तीन चार चीजें होनी बड़ी जरूरी है, एक तो गुड लुक्स, अच्छा चेहरा होना जरूरी है, जो कि आपके पास है, कोई दूसरी राय नहीं है, हैंडसम आदमी हो माशाल्लाह, ऐसी बातें कहनी पड़ती है, लेकिन है आप हैं। अच्छा और दूसरी बात, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ आपके, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कर लिया, यही तो कह रहा हूँ, कर लेना था। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, आगे आगे बढ़ते हैं, दूसरा हाइट वो भी आपके पास है, तीसरी चीज जो है वो डांसिंग स्किल्स होते हैं, जो हीरो जो है वो डांस चांस करता है, सो वो ट्राई कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वो कह रहे हैं डेमो दिया जाए तो मैं साथ मिल गया, आप जैसे ही करोगे मैं आपके साथ मिल गया, आपको कॉपी करूंगा, चलो डांस लगाएं, गाना लगा, ठीक है। अच्छा सो इस तरह की हाँ
सिनॉप्सिस जो है पढ़ा है इसका, फिल्म का देखा है या पढ़ा है, ट्रेलर देख लिया हो तो? हाँ कोई है? जरा फिल्म के बारे में बात करते हैं ना। अच्छा हस्बैंड वाइफ है हमारे, अरे आपने पढ़ा है, मैम आइए यहाँ पे बैक स्टेज से आ रही है। और हस्बैंड वाइफ है हमारे पास यहाँ पर, वी नीड हस्बैंड एंड वाइफ। मैम आप सब कुछ है, ब्लॉगर भी है, बड़ी फैन भी है, हस्बैंड वाइफ भी, क्या करें। अच्छा अपने ड्रीम्स के लिए फाइट कर रही है, जो कि तकरीबन सारी लड़कियां पाकिस्तान में तो यूजुअली करती है। उसको अगर टीचर बनना है, पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसको लड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर एक लड़की है जो कि क्रिकेटर बनना चाहती है और अपनी फैमिली को विश चाहती है, उसे कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट चेजिंग योर ड्रीम एंड देन फाइनली विनिंग इट। अमेजिंग, क्लैपिंग होनी चाहिए यार, वेरी नाइस। अच्छा मैम आपको गाना गाने आता? मुझे लगता है कि आता है, बिकॉज़ आता है, चलिए गा दें, थोड़ा सा गाई दें, जो भी आता है गा दें। हाँ जी, स्टेज भी है, मौका भी है, हो सकता है वायरल हो जाए, हो सकता है पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाए और लाखों रुपए मिलता है, ये बोल है आजकल, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सीरियसली, चले गाना कौन सा आपका फेवरेट गाना है, कौन सा आजकल? यमुना के गाने। हाँ चले, जो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है, चले सुनाइए मैम, ट्राई। तेरे बिना गाना जी जी कब दिल था मेरा ऐसे जब टूट कर खचा। क्लैप करें इस गाने के लिए। आने के लिए। और सर आप तो कभी बोर नहीं होते होंगे जिंदगी में? नहीं है ना, माशाल्लाह आपकी जवानी का राज भी यही है। लव में रहे सर, माइक पे कहे ना ये सारी बातें, हमें मजा है। तो खैर है, कोई बात नहीं, हस्बैंड के लिए कह रही। हां चलो, इनकी लव मैरिज है, मैं से सहमत। इनकी लव मैरिज है, इनकी है। आप अच्छा, और आप क्या इनसे साथ साथ शादी से पहले मुझे बाजी बोला करते थे। हां और बाजी से घर वाली बना लिया इन्होंने। सो यानी कि टेक्निकल तौर पे जो जो हमें भाई बोलती है तो हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा चले, खैर है, सिर्फ आदमी थे यार, बाजी बोलते थे। अच्छा आप, अच्छा शादी के बाद क्या बोलते हैं? ये बोलते ही नहीं है, मुझे बोलते ही नहीं है मेरा फैंस। मैं इनकी लाडली हूँ, ये कहते हैं जब इन बेगम घर में नहीं बोलती ना तो मैं कहता हूँ घर सुना है सुना है। ये बातें वो क्यों नहीं कह रहे हैं? अच्छा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कैसा घर में बोले वाकई हमारा घर सुना होता है। अच्छा चले, ये तो हो गई ना प्रेशर वाली बात। नहीं, अच्छा, कोई प्रेशर। अच्छा, इसमें कोई प्रेशर। अच्छा चले, अच्छा इंसान जितना भी अच्छा हो उसमें जाहिर है नेगेटिव पॉइंट्स तो होते हैं। आपको इनकी दो बातें जो अच्छी नहीं लगती वो बताएं, हमें लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है, हमें लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है, हम लड़ाई देखना चाहते हैं, हमें हमें देखिए। ओके अजान ब्रेक है, कितने लोग आए, क्लैप करें इनके लिए। आपके डांस आते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, अरे इजाजत है पैसे को, थोड़ा सा म्यूजिक प्ले कीजिएगा ब्रदर, थोड़ा सा म्यूजिक प्ले कीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग ऑन स्टेज, इट वाज लवली हैविंग यू, सुन के अच्छा लगा कि आप सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम आई नीड टू गिव यू द कॉम्प्लीमेंट, योर हुडी इज अमेजिंग, यू लुकिंग अमेजिंग, सच अ कूल वाइब मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके डन, ऑलराइट जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अब बगैर आवाज बिंदी क्या है
माशाल्लाह जी, ऐसा लग रहा है मैं किसी वलीमे में आया हूँ। इतने आज कोई जलसा हो रहा है यहाँ पे, आप लोग सारे ऐसे मुनज्जम तरीके से बैठे हुए हैं। एक बात वाकई कहूंगा, हम लोग पूरे पाकिस्तान के मॉल्स में गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गए, बहुत सारी एक्टिविटीज हमने की, लेकिन क्या लोग हैं आप लोग यार, इतने जबरदस्त तरीके से कौन बैठता है यार। ताने वाली कौन आदि नजरात, मेरा नाम अहमद गोडल, कराची से आए हुए आपके मेहमान हैं हम। पीछे वाले जो आए हुए हैं बिल्कुल मासूम से चेहरे, हसरत भरी निगाहों को हमें देख रहे हैं, अगर ये भी और ऊपर वाले मिलकर एक आवाज हो के पूरा गीगा मॉल अगर बोलेगा नायाब, तो क्या पता उस नायाब की चीखों पुकार से नायाब इस स्टेज पर आ जाए। है जी, तो बाय द काउंट ऑफ थ्री, 3, 2, 1। वेरी नाइस। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि 26 तारीख अगले 5 दिनों के बाद है, आज हमारा आखिरी इवेंट है पूरे प्रमोशनल टूर का, और उसके बाद हमने सबने कल वापस कराची चले जाना है, मूवी के प्रीमियर की तैयारी करनी है, सिल्वर स्क्रीन की तैयारी करनी है, और हमने नायाब को सिनेमा घरों में देखने हैं। आप लोगों ने किसी ने अभी तक टिकट्स ली है? Anyone who has the tickets with them? आपके पास टिकट है? आपके पास टिकट है? All right जी, तो फिर यमुना, आप हमेशा इतनी प्यारी लगती है, आज आप माशाल्लाह परी लग रही है, डायरेक्ट फ्रॉम द क्लाउड्स एन एंजल। आपका हैलो लाइट कहाँ है, आपके पर कहाँ है, छोड़कर आई है कराची में? चलो माइक की आवाज बढ़ाए प्लीज, बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द वॉर्म वेलकम और बड़ा क्लाउड इकट्ठा हुआ। क्या हाल चाल है आप सबका, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे से यार, बड़ा इंतजार किया आप लोगों ने। अच्छा आप में से किस किस ने ट्रेलर देखा, दिखा दिए ट्रेलर, किस किस ने देखा है, हाथ खड़ा करें यार, एक तरह शॉर्ट मचा सकते हैं आप जरा, ट्रेलर किस किस ने देखा है? मुझे नहीं लगता है सब लोगों ने ट्रेलर देखा, आप लोगों ने एक्चुअली देखा है ट्रेलर? नहीं देखा। अब देखते हैं साथ, देखते हैं। चलिए जी ट्रेलर एक बार चलाइएगा प्लीज, ट्रेलर देखने की मैं फिर किसी से सवाल पूछ ले। टेस्ट होगा आपका, टेस्ट होगा फिर। नायाब चाह रही थी कि एकेडमी ज्वाइन कर दोगी, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। फिलहाल वजह के चौथे दो पुरानी दोस्तें मिल गई हैं आज। हाँ बेटा आप भी अम्मी के साथ खड़ी हो जाओ, मम्मा के साथ। हाँ फेस द कैमरा चिट्टू, वेरी गुड। उनको ब्लॉगर है आप, चलो आपकी तो निकल पड़ी आज भाई, इनका कोई ब्लॉग बनाए हमजा बेटा, कहाँ पे लगो शाबाश जी, आपने अगर कोई चाहिए कैमरामैन तो हमजा है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया ये माइक दीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए मूवी कौन सी तारीख को रिलीज हो रही है? जी आंटी आप बताइए, आइए 26th of January। जल्दी सही ये बताइए मूवी में नायाब के जो भाई, क्या मैं सवाल तो सुन ले, मूवी में जो नायाब के उसमें मोहम्मद फवाद खान के कैरेक्टर का नाम क्या है? हक्का आधा लड़के, तू तो तैयारी के साथ आया है, वेरी गुड, पूरी तैयारी के साथ आया। अच्छा ये बताइए राइट वाले, ये बताइए उसामा खान का कैरेक्टर का नाम क्या है? है जी, एनीवन एनीवन क्विकली, ट्रेलर में नहीं आया,
हाँ कोई बात नहीं, देखते कितनी तैयारी के साथ आए पिंडी वाले। हाँ भाई पिंडी गर्ल्स, ओसामा खान जो खड़े हैं यहाँ पर आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आज माशाल्लाह। इनके दोस्त ने इनको जैकेट ला के दिए व्हाइट कलर की। ये बताइए इनके कैरेक्टर का नाम क्या है? किसने बोला? किसने बोला? नहीं किसने बोला? आपने बोला, आ जाओ। जैन इज द नेम, वेरी गुड। ये बताइए किसने बोला? ये वो बच्ची आई है माशाल्लाह भाई, ऐसे इस मूवी में नाम तो नायाब है, नाम तो नायाब है, सवाल ही नहीं सुनते हो। इस मूवी में यमुना जैदी का नाम तो नायाब है, लेकिन इन्होंने कौन सी टीम को हराने की बात की है? ये है एग्जिट। और ये हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ।